नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज। स्वागत है आपका बिहार बुलेटिन में। रुक करेंगे बिहार की तमाम खबरों की तरफ। पटना में मछली तालाब पर पहरा दे रहे किसान नेताओं को अपराधियों ने गोलियों से भून डाला। वहीं घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई और घटना पटना के दुल्हिन बाजार स्थित महुआ बाग गांव की है। और सूचना मिलते ही गांव के लोग मौके पर पहुंचे और लोगों ने इसकी सूचना स्थानीय थाना को दी। और वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और वहीं आपको बता दें कि दुल्हिन बाजार थाना के महुआ बाग गाँव निवासी सुदामा यादव 50 वर्ष पूर्व में माले के नेता रहे और किसानों के लिए अपनी आवाज बुलंद करने को लेकर गांव के लोग इन्हें किसान नेता के रूप में देखते थे। और वहीं ग्रामीणों ने बताया कि मंगलवार की रात सुदामा यादव महुआ बाग स्थित तालाब पर मछली की पहरेदारी कर रहे थे और इसी क्रम में मंगलवार के अले सुबह कुछ अपराधी वहां पहुंचे और सुदामा यादव को गोलियों से भून डाला। और वहीं अपराधी घटना को अंजाम देकर वहां से भाग निकले। और वहीं घटना की सूचना मिलते ही गांव के लोग वहां जमा हो गए और लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। और सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए पालीगंज अनुमंडल भेज दिया। और वहीं घटना की पुष्टि करते हुए पालीगंज SDPO अवधेश दीक्षित ने बताया कि मामले में गोली मारकर हत्या हुई थी और उन्होंने ये भी बताया कि हत्या के कारणों का भी पता लगाया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। और वहीं गाँव के कुछ लोग इसे पुरानी दुश्मनी को जोड़कर भी देख रहे हैं। और वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर बिहार के सीवान में निर्दलीय MLC के उम्मीदवार रईस खान के काफिले पर सोमवार की रात बदमाशों ने AK-47 से जानलेवा हमला कर दिया। और वहीं इस हमले में रईस खान बाल बाल बच गए और ये घटना रात करीब 11 बजे के आसपास की, जब MLC उम्मीदवार रईस खान शहर के पुरानी किला अपने कार्यालय से वापस गांव ग्यासपुर जा रहे थे और इसी दौरान AK-47 से उसके काफिले पर फायरिंग हो गई। और वहीं आपको बता दें कि रईस खान पर AK-47 से हमला करने वाले बदमाश 4 से 5 की संख्या में थे। और वहीं हुसैनगंज के महुवल गांव में इस वारदात को बदमाशों ने अंजाम दिया और जब बदमाशों ने रईस खान के काफिले पर हमला किया तो उनके पीछे एक बोलेरो गाड़ी भी थी जिसमें कुछ बाराती सवार थे और बदमाशों को ये लगा कि बोलेरो गाड़ी भी रईस खान के साथ है। बस फिर उन्होंने उस गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और वहीं बोलेरो में करीब मौजूद 30 वर्षीय विनोद यादव को कई हिस्से में गोली लगी और वहीं घटनास्थल पर ही उसकी मौके पर ही मौत हो गई। और घटना में बारातियों की तरफ से 2 लोग भी घायल हुए। और वहीं आपको बता दें कि रईस खान के 2 लोग भी घायल हुए और इनमें तायाब अली और बबलू खान और फूलंग शामिल है और घायलों का इलाज अभी जारी है लेकिन बबलू की स्थिति नाजुक बताई गई। और वहीं आपको बता दें कि MLC उम्मीदवार रईस खान ने कहा कि उन पर 4 से 5 लोगों ने एक साथ हमला कर दिया, किसी तरह वो बाल बाल बचे लेकिन उसके भाई को गोली लगी और गांव के एक निर्दोष लड़के की मौत हो गई। और वहीं रईस खान ने कहा कि DM के बोलने के बाद भी हमें चुनाव में गार्ड नहीं दिया गया और घटनास्थल पर AK-47 की भारी मात्रा में गोलियां सड़क पर गिरी हुई हैं और मुझे अभी भी खतरा है। हालांकि रात में जैसे ही रईस खान के समर्थकों को इस बड़ी घटना की जानकारी मिली तो वो लोग दौड़े दौड़े अपने नेता के हाल जानने पहुँच गए। और वहीं घटनास्थल की जानकारी मिलते ही सिवान के पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार सिन्हा नर्सिंग होम पहुंचे और घायलों से मिलकर घटना की जानकारी भी ली। वहीं SP शैलेश कुमार सिन्हा ने बताया कि घटना की अभी जांच जारी है। राजगीर थाना क्षेत्र के विस्थापित के पास सड़क हादसे में 3 किशोरों की मौत हो गई और तीनों एक ही बाइक पर सवार होकर मजदूरी करने के बाद घर वापस लौट रहे थे और इसी दौरान एक ट्रक ने बाइक में पीछे से टक्कर मार दी और इसके बाद बाइक फूल से वो वहीं आपको बता दें कि बाइक पुल से नीचे गिर गई और घटनास्थल पर ही 2 किशोरों की मौत हो गई और वहीं तीसरे ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया और सभी राजगीर थाना क्षेत्र के राम हरिपिंड मोहल्ले के रहने वाले बताए गए। वहीं आपको बता दें कि मृतकों में राजा राम सिंह का 14 साल का बेटा आदित्य कुमार और वहीं स्वर्गीय सत्येंद्र का 16 वर्षीय बेटा रंजन कुमार शामिल है और वहीं तीसरे किशोर का नाम रोशन कुमार है जिसकी उम्र करीब 14 साल बताई गई और वहीं रोशन की इलाज के दौरान पटना में मौत हो गई।
और ये लोग आयुध फैक्ट्री के पास मजदूरी करने के लिए गए हुए थे और लौटने के दौरान तीनों एक ही बाइक पर सवार होकर घर आ रहे थे और रास्ते में ये घटना हो गई। और जानकारी के अनुसार बाइक सवार तीनों किशोर एक ही गांव के रहने वाले थे और मौत के बाद गांव में कोहराम मच गया है और एक साथ गांव में तीन मौत के बाद मातम पसर गया। और इसी घटना को लेकर थाना अध्यक्ष दीपक कुमार ने बताया कि सड़क हादसे में दो बच्चों की मौत घटना स्थल पर ही हो गई थी और वहीं एक की मौत पटना में इलाज के दौरान हुई है और फिलहाल तीनों शव को पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल भेज दिया गया। वहीं पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया जाएगा और वहीं पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है। वहीं बिहार में जारी सियासी उठल पुथल के बीच सोमवार को आरजेडी के वरिष्ठ नेता श्याम रजक लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष से सांसद चिराग पासवान से मिलने उनके आवास पर पहुंचे और दोनों काफी देर तक बंद कमरे में लंबी बातचीत करते रहे। और मुलाकात के बाद आवास से बाहर आए श्याम रजक ने पत्रकारों से बातचीत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत जनपद स्थित बंगले को जिस तरह से खाली कराया गया वो गलत है। और वहीं आरजेडी नेता ने कहा कि दिवंगत नेता रामविलास पासवान की प्रतिमा पर पैर रख जिस तरह बर्बरतापूर्ण रवैया अपनाया गया है उससे हम लोग मर्माहत हैं। और हालांकि जब उनसे चिराग से मिलने आने का कारण पूछा गया तो उन्होंने चुप्पी साध ली, केवल इतना ही कहा कि जो भी हुआ है बीजेपी के इशारे पर हुआ है और दिल्ली में बीजेपी की सरकार है और इस बात को चिराग पासवान भी समझ रहे हैं। और वहीं जब उनसे पूछा गया कि क्या बोंचा विधानसभा में होने वाले उपचुनाव में चिराग पासवान उनके पक्ष में प्रचार करने जा सकते हैं तो श्याम रजक ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। और वहीं आरजेडी नेता ने केवल इतना कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में वो सभी एक साथ मिलकर पूरी तैयारी के साथ एनडीए को हराने का काम करेंगे। और वहीं दोनों नेताओं की मुलाकात से संबंध में चिराग की पार्टी के प्रवक्ता राजेश भट्ट ने भी कहा कि जिस तरह से रामविलास पासवान के बंगले को तहस नहस किया गया इससे सभी दलित नेता दुखित है और वहीं और एकजुट होकर दलित के हक की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। और वहीं आरजेडी से गठबंधन पर उन्होंने कहा कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। वहीं SS बालिका प्लस टू हाई स्कूल में आयोजित संस्कृत बोर्ड द्वारा माध्यमिक की परीक्षा में सोमवार को पहले दिन 55 स्कॉलर पकड़े गए और इसमें युवतियां समेत 47 महिलाएं भी शामिल हैं जिन्हें पकड़ा गया और ये पहली बार हुआ है जब इतनी संख्या में महिला स्कॉलर पकड़ी गई। और वहीं आपको बता दें कि पहले दिन की पहली पाली में करीब 55 फर्जी परीक्षार्थी एक्सपेल्ड किए गए थे और वहीं परीक्षा दो पाली में ली गई और निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से कहा कि परीक्षा का कदाचार मुक्त वातावरण में होना चाहिए और इस कार्य में लापरवाही बरतने वाले दंड अधिकारी वीक्षक और केंद्र अधीक्षक के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और वहीं आपको बता दें कि परीक्षा के पहले दिन सख्ती देख आगे की परीक्षा में नकलची ऐसी गलती करने से अब बचेंगे। और वहीं DEO केशव प्रसाद केंद्र अधीक्षकों का सख्त निर्देश दिया कि हर हाल में कदाचार मुक्त परीक्षा कराएं और उन्होंने ये भी बताया कि कदाचार मुक्त संचालन के परीक्षार्थियों की मुख्य गेट पर ही गहन तरीके से जांच की जाएगी और वहीं प्रवेश पत्र के अलावा कोई भी परीक्षार्थी अन्य सामान नहीं ले जा सकते। लेकिन आज 55 फर्जी परीक्षार्थी निष्कासित किए गए। और इधर SDM कुमार अनुराग ने कहा कि बिहार संस्कृति शिक्षा बोर्ड पटना द्वारा आयोजित माध्यमिक की परीक्षा बिहार शरीफ मुख्यालय के एकमात्र परीक्षा केंद्र SS बालिका उच्च विद्यालय में आयोजित की गई थी और इसमें करीब 474 परीक्षार्थियों में से प्रथम पाली में 399 परीक्षार्थी शामिल हुए और इन प्रशासन के जांच के क्रम में दूसरे के बदले परीक्षा देने आए करीब 55 फर्जी परीक्षार्थियों को पकड़ा गया और उन्हें निष्कासित करते हुए उनके विरुद्ध FIR करने का भी निर्देश दिया गया है। और वहीं नहाए खाए के साथ आज से चैती छठ पूजा की शुरुआत हो गई और वहीं आज छठ व्रती स्नान कर पूजा पाठ करते हुए सभी लोग कद्दू भात का प्रसाद खाकर पूजा की शुरुआत कर रहे हैं। और वहीं आपको बता दें कि 6 अप्रैल को पूरे दिन उपवास के बाद शाम में खीर और रोटी से खरना होगा और इसके बाद 7 अप्रैल को 36 घंटे का निर्जला उपवास भी रखते हुए छठ व्रती शाम को अस्तलाचलगामी सूर्य को अघ्र्य देंगे और अगले दिन सुबह 8 अप्रैल को उगते सूर्य को अघ्र्य देने के साथ ही ये व्रत
पूरा हो जाएगा। वहीं आपको बता दें कि 4 दिनों के छठ पर्व को लेकर पटना जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और विधि व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए पूरी तैयारी भी कर ली गई है। और वहीं पटना जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह की अगुवाई में इस वर्ष चैती छठ पूजा के अवसर पर व्रतियों की सुविधा, भीड़ नियंत्रण और शांतिपूर्ण ढंग से त्यौहार को संपन्न कराने के उद्देश्य से दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। और वही जिला प्रशासन के चयन के अनुसार इस बार पटना शहरी क्षेत्र में स्थित कुल 26 घाटों को छठ पर अर्घ्य देने के लिए सुरक्षित माना गया। और इसमें पटना सदर अनुमंडल के 14 घाट, पटना सिटी अनुमंडल के 7 घाट और दानापुर अनुमंडल के 5 घाट शामिल है। और इसके अलावा आपको बता दें कि पटना के प्रमुख गाय घाट समेत कुल 24 घाटों को खतरनाक घोषित किया गया है। वहीं भोजपुरी गायक खेसारी लाल यादव की मुश्किलें अब बढ़ सकती है। दरअसल उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो जेल में बंद कैदी से बात करें और ये कैदी कुख्यात संदीप यादव है। इस पर कई संगीन मामले भी दर्ज हैं। वहीं खेसारी लाल इस कुख्यात संदीप से वीडियो कॉल के जरिए ही बात कर रहे हैं और बक्सर SP नीरज कुमार सिंह ने मामले की जांच के आदेश भी दे दिए। और जानकारी के मुताबिक इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस सुरक्षा और चौकसी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और वहीं वीडियो वायरल होने के बाद से प्रशासन में हड़कंप मच गया और मामला इस तरह से सामने आया आने के बाद बक्सर SP नीरज कुमार सिंह ने इसे गंभीरता से लेने की भी बात कही। और इसके अलावा आपको बता दें कि मामले में टीम का गठन भी किया गया और वायरल वीडियो की जांच की कमान बक्सर SDM और SDPO को सौंप दी गई। और वहीं SP नीरज सिंह का कहना है कि यह वायरल वीडियो हाल फिलहाल का है या पुराना, इसके बारे में जांच के बाद ही पता चलेगा और रिपोर्ट सामने आने के बाद ही पूरी सच्चाई सामने आ पाएगी। और इसके अलावा आपको बता दें कि इस वीडियो में खेसारी लाल बक्सर सेंट्रल जेल में बंद कुख्यात अपराधी संदीप यादव से बातचीत करते हुए नजर आ रहे। दरअसल संदीप यादव अब तक कई आपराधिक मामलों को अंजाम दे चुका है और ऐसे में एक अपराधी के साथ खेसारी लाल का वीडियो वायरल होना कई प्रकार के सवाल खड़े करता है और इस मामले की जांच अभी जारी है। वहीं आपको बता दें कि महज 10 दिन में उसका ये दूसरी बार वीडियो वायरल हुआ है। और इसके अलावा आपको बता दें कि कुख्यात संदीप यादव पर जिले में लगभग 2 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं और उस पर बिहार समेत UP में भी ये मामले दर्ज हुए। और उस पर यह आरोप है कि संदीप ने पंचायत चुनाव से पहले एक पूर्व मुखिया के बेटे को गोली मारकर हत्या करवा दी थी। वहीं 7 अप्रैल को बिहार के राजनीति में भूचाल आने वाला और ये दावा RJD के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का है। और वहीं राजद प्रवक्ता ने कहा कि 7 अप्रैल को जैसे ही MLC चुनाव का परिणाम आएगा वैसे ही यहां की राजनीति में भूचाल आ जाएगा। और वहीं लोगों में NDA की सरकार को लेकर काफी गुस्सा है और चारों जो जनप्रतिनिधि चुनाव जीत कर आए, जो वोटर हैं उनमें एक उत्साह और एक उमंग है और वो बढ़ चढ़ कर चुनाव में महागठबंधन को वोट कर रहे हैं। वहीं जनप्रतिनिधि का जो हाल देख रहे हैं NDA सरकार की है और जनप्रतिनिधियों का मान सम्मान नहीं बचा। और वहीं विधानसभा अध्यक्ष का सिपाही दरोगा नहीं सुन रहा और मंत्री का चपरासी नहीं सुन रहा है और ऐसे में मुखिया वार्ड परिषद की कौन सुनेगा। और वहीं सूबे में अपराध, भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी पर बुलडोजर तेजस्वी यादव चलाएंगे और सबको पता है NDA उस पर बात नहीं करेंगे, ये योगी मॉडल और बुलडोजर पर बात करेंगे और अपराध, भ्रष्टाचार, भुखमरी, बेरोजगारी पर बुलडोजर कब चलाएंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि नल जल योजना में गड़बड़ी को लेकर सीधा वार्ड सदस्यों को योजना में शामिल नहीं करने को लेकर कैबिनेट में फैसला लिया गया है और भ्रष्टाचार करें अधिकारी और दोष मढ़े रहे वार्ड सदस्यों पर और इस बात से लोगों में गुस्सा है और सभी चुने हुए जनप्रतिनिधि तेजस्वी यादव में अपना भविष्य देख रहे हैं, इसलिए महागठबंधन की स्थिति मजबूत है। और वहीं चारों ओर बिहार से जो रिपोर्ट आ रही है उसमें महागठबंधन काफ़ी आगे और 20 सीटों पर महागठबंधन को जीत मिलेगी और 7 अप्रैल को जो परिणाम आएगा इसके बाद बिहार की राजनीति में भूचाल आने वाला है। और वहीं ऐसा माना जा रहा है कि ये भूचाल बिहार में राजनीति की दशा और दिशा बदल देगा।
वहीं नवरात्रि के पावन पर्व का आज चौथा दिन और आज का दिन मां कुष्मंडा को समर्पित है और अपनी मंद और हल्की हंसी के साथ विशाल ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण देवी को कुष्मंडा नाम से जाना गया है। तो चलिए आपको बताते हैं देवी कुष्मंडा की प्रसिद्ध कथाएं हमारी खास रिपोर्ट के जरिए। नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब हल्की सी मंद मंद मुस्कान चेहरे पर लिए देवी ने विशाल ब्रह्मांड की रचना कर दी। मान्यता है कि जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब देवी कुष्मांडा ने ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए देवी सृष्टि की आदि स्वरूपा और आदि शक्ति है। इनके पहले ब्रह्मांड का अस्तित्व था ही नहीं। कहा यह भी जाता है कि देवी कुष्मांडा का निवास सूर्य मंडल के भीतर के लोक में होता है। सूर्य लोक में निवास कर सकने की क्षमता और शक्ति केवल कुष्मांडा माँ के पास ही है। इनके शरीर की कांति और प्रभा भी सूर्य के समान ही दैद्यमान मानी जाती है। कोई भी देवी देवता इनके तेज और प्रभाव की समता कर नहीं सकता। इनकी तेज की तुलना इन्हीं से की जा सकती है। तो वहीं देवी के तेज और प्रकाश से दसों दिशाएं प्रकाशित हो रही हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं और प्राणियों में अवस्थित तेज इन्हीं की छाया है। माँ आदि शक्ति दुर्गा का चतुर्थ रूप कुष्मांडा के नाम से इस संसार में सुविख्यात है, जो संपूर्ण जगत की जननी है। इतना ही नहीं, ये दिव्य प्रकाश पुंज की मूर्ति है, जो अपने दिव्य ज्योति से संसार को न केवल प्रकाशित कर रही है, बल्कि सूर्य जैसे महाताप से युक्त ग्रह के अर्थात सूर्य मंडल में निवास करने की अद्वितीय शक्ति से युक्त है। यानी कि ये सृष्टि की सृजनकर्ता आदि शक्ति है, जिनके संदर्भ में ये भी कहा जाता है कि ये त्रिविध ताप से संयुक्त संसार को अपने उदर में समाहित किए हुए हैं। ऐसी माँ जगत जननी आदि शक्ति कहलाती है। देवी का दिव्य रूप देखते ही बनता है। जहाँ अष्ट भुजाओं से युक्त देवी जगत कल्याण के लिए अपने दाहिने हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प से सुशोभित हो रहे हैं, माता के बाएं हाथों में अमृतपूर्ण कलश, माला, गदा, चक्र को लोक हितार्थ धारण कर रखा है। ये सिंहारूढ़ हैं तथा अपने दिव्य तेज से दिशाओं और विदिशाओं को प्रकाशित कर रही है। पुराणों में कहा गया है कि सभी चल अचल संजीवों में जो भी प्रकाश और आभा है, वो इनके प्रकाश से ही है। माँ की कृपा से भक्तों के रोग, दुख, भय और चिंताएं सभी दूर हो जाती हैं। साथ ही हर बुराई और शत्रु भी देवी के भक्त का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पर देवी की कृपा पाने से पहले जरूरी है कि देवी माँ की पूरी श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना की जाए। पूजा में माँ को लाल रंग के पुष्प जैसे गुड़हल या फिर गुलाब के फूल अर्पित करें। इसके साथ ही सिंदूर, धूप, दीप और निवेद्य चढ़ाएं। माँ की पूजा आप हरे रंग के वस्त्र पहनकर करें तो अधिक शुभ माना जाता है। ये तो बात हुई पूजा की, पर माँ को प्रसन्न करने के लिए उन्हें भोग क्या लगाएं? अब ये भी आपको बता देते हैं। कुष्मांडा देवी को सफेद कुम्हड़े यानी समूचे पेठे के फल की बलि देते हैं। दरअसल ब्रह्मांड को कुम्हरे के समान माना जाता है, जो कि बीच में से खाली होता है, और देवी ब्रह्मांड के मध्य में निवास करती है और पूरे संसार की रक्षा करती है। पर अगर आपको साबुत कुम्हरा ना मिल पाए तो आप माँ को पेठे का भी भोग लगा सकते हैं। इसके बाद देवी को दही और हलवे का भोग चढ़ाएं और उसके बाद आदर के साथ माँ के चरणों में माथा टेक कर आशीर्वाद लें और आस्था के साथ देवी कुष्मांडा की आरती गाएं, ताकि इस नवरात्रि आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाए। स्पेशल रिपोर्ट आर्या न्यूज। वहीं श्रीलंका में आर्थिक संकट के कारण हालात बिगड़ते जा रहे हैं और सैकड़ों लोगों की भीड़ ने कोलंबो में राष्ट्रपति गोताबाय राजपक्षे के निवास में घुसने की कोशिश की और हालत कई इस कदर बिगड़ चुके पुलिस ने उन्हें काबू में करने के लिए गोलियां तक चला दी। और श्रीलंका के बिगड़े हालातों को समझेंगे हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए। श्रीलंकाई परिवारों ने अपना देश छोड़ना शुरू कर दिया और वो अवैध रूप से भारतीय तटों पर पहुंचने लगे।
और ऐसा करने के पीछे कारण है श्रीलंका में आवश्यक आपूर्ति के सामानों की भारी किल्लत और आसमान छूती महंगाई। श्रीलंका का विदेश भंडार इस वक्त अपने ऐतिहासिक न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है और घटते विदेशी मुद्रा भंडार, बेतहाशा बढ़ती कीमतों और भोजन सामग्री की कमी की संभावनाओं के बीच राष्ट्रपति गोताबाय राजपक्षे की सरकार कुछ भी करने को तैयार है। हालांकि श्रीलंका के नेता इन हालात के लिए कोरोना को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, लेकिन आलोचक इसके लिए सरकार को ही दोषी ठहरा रहे हैं। तो वहीं विपत्ति काल में श्रीलंका सरकार की निगाहें अब भारत की ओर हैं। तो वहीं ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर श्रीलंका के मित्र देश चीन और पाकिस्तान इस मामले में सक्रिय क्यों नहीं है और इसके पीछे के बड़े कारण क्या हैं? क्या भारत की मदद से कोलंबो और नई दिल्ली के रिश्तों में सुधार आएगा? दोनों देश अपने मतभेदों को भुलाकर फिर एक दूसरे के निकट आएंगे? तो आपको बता दें कि श्रीलंका के आर्थिक संकट पर असर उसके विदेश नीति पर भी पड़ रहा है। श्रीलंका की विदेश नीति में बदलाव देखने को मिल रहे हैं और यही कारण है कि चीन की ओर जाता श्रीलंका अब भारत के साथ बेहतर संबंध बनाने की जुगत में है और इसके पीछे ड्रैगन की कर्ज नीति और भारत की मोदी सरकार की पड़ोसी मुल्कों के साथ सकारात्मक रुख की नीति जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि हाल के सालों में नई दिल्ली और कोलंबो के रिश्ते बहुत मधुर नहीं रहे, खासकर मैत्रीपाला सिरिसेना के कार्यकाल में भारत और श्रीलंका के संबंधों में गिरावट आई है और इसकी वजह ये थी कि सिरिसेना का झुकाव चीन की ओर था और अब बेकाबू महंगाई और आवश्यक वस्तुओं की किल्लत के कारण लोगों का जीना मुश्किल हो गया। और वहीं प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। वो बेकाबू महंगाई और किल्लत से निपटने के लिए श्रीलंका सरकार के रवैये को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज होते जा रहे हैं और देश में आजादी के बाद के सबसे खराब हालात ये बताए गए हैं। दरअसल कोलंबो में गुरुवार रात हालत बिगड़ने के बाद कर्फ्यू लगाया गया था, हालांकि शुक्रवार सुबह से इसे हटा भी दिया गया और राष्ट्रपति निवास के आसपास के इलाकों में आगजनी के बाद वाहन का मलबा पड़ा नजर आया। गुरुवार को श्रीलंका के राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे के इस्तीफे की मांग को लेकर सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने राजधानी कोलंबो में उनके आवास पर धावा बोलने की कोशिश की और उन्हें काबू में करने के लिए पुलिस ने पहले आंसू गैस छोड़ी और फिर पानी की बौछारें की। प्रदर्शन के वक्त राजपक्षे अपने आवास पर नहीं थे और नारेबाजी करती भीड़ ने राजपक्षे से सत्ता छोड़ने की मांग की और देश में हालत लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। और वहीं आपको बता दें कि श्रीलंका में ईंधन की भारी किल्लत हो गई है। पेट्रोल पंप पर डीजल नहीं मिलने के कारण सार्वजनिक बसें और अन्य वाहनों की आवाजाही ठप हो गई है। देश के दो तिहाई बसों और वाहनों का संचालन निजी क्षेत्र द्वारा किया जाता है। इनके संचालकों का कहना है कि आज से तो छुटपुट बसें भी नहीं चल सकेंगी और साथ ही श्रीलंका की सरकारी बिजली कंपनी ने जनरेटरों के लिए बिजली नहीं मिलने से 12 घंटे की कटौती भी शुरू कर दी और यह देश के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी कटौती है और 20 विद्युत जोनों में 4 घंटे पारी पारी से कुल 12 घंटे कटौती का ऐलान किया गया है। और हालात यहां तक बिगड़ चुके हैं कि श्रीलंका में महंगाई और आवश्यक वस्तुओं की किल्लत के कारण लोगों का जीना मुहाल हो गया है। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत करीब 254 रुपए और वहीं 1 लीटर दूध 263 रुपए में बिक रहा है और लोगों को एक ब्रेड का पैकेट भी करीब 150 रुपए में खरीदना पड़ रहा है। और यही नहीं, 1 किलो चावल और शक्कर की कीमत करीब 290 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई। तो वहीं चीन समेत कई देशों के कर्ज तले दबे श्रीलंका का जनवरी में विदेशी मुद्रा भंडार 70% से ज्यादा घटकर 2.36 अरब डॉलर रह गया था, जिसमें लगातार गिरावट आती जा रही है। और विदेशी मुद्रा की कमी के चलते ही देश में ज्यादातर जरूरी सामानों, दवा, पेट्रोल, डीजल का विदेशों से आयात नहीं हो पा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्या न्यूज। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्या न्यूज के साथ।